नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मटर का पुलाव बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। यानी जल्दी से हमें कुछ बनाकर सर्व करना है तो मटर का पुलाव फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं, सभी को पसंद आता है। तो आइए हरे मटर का पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मटर का पुलाव बनाने के लिए हम कुकर गर्म कर लेते हैं। हम पुलाव कुकर में बना रहे हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। कुकर गर्म हो गया है, 3 से 4 टेबलस्पून घी लेंगे। पुलाव को तेल में भी बनाया जा सकता है। घी गर्म हो गया है, हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, इसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 लौंग हैं और 15 काली मिर्च हैं। बड़ी इलायची को हम छील कर डालेंगे, पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब ये इलायची मुंह में आती है तो मुंह का पूरा जायका ही बदल जाता है। तो ये मसाले हम घी में डाल देंगे, हल्का सा भूनेंगे। और ये हमने 1 इंच अदरक के जूलियंस बना लिए हैं, पतला पतला काट लिया है, और 2 हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं। मसाले को हल्का सा भूनेंगे। और हमने 10-12 काजू लिए हैं, काजू से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऑप्शनल है। इनको भी हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे। काजू का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, मसालों से अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें अब मटर डाल देते हैं। हमने 1.5 कप मटर लिए और मटर को लगातार चलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। हमने 1 कप चावल लिए हैं जिनको 20 मिनट भिगो कर ले लिया है। और अब हम इन सबको लगातार चलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। आग मीडियम है, हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। ये हमने 1/4 चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं। और हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस से पुलाव का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। मिला देंगे, कुकर बंद कर देंगे और पुलाव को 1 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, हम गैस बंद कर देते हैं और पुलाव को कुकर में तब तक रहने देते हैं जब तक कि इसका प्रेशर ख़त्म नहीं हो जाता। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है, पुलाव को चेक करते हैं। और थोड़ा सा प्रेशर हमने कुकर का निकाल भी दिया था क्योंकि चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं। थोड़ा सा हम इसे हल्के हाथ से इस तरीके से खोल देते हैं ताकि नीचे से सारी भाप इसमें से निकल जाए। पुलाव को हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके बाद सर्व करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा पुलाव भी बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा हल्के हाथ से हम इसे चला लेते हैं और पुलाव को हम प्याले में निकालते हैं। मटर का पुलाव बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी पुलाव बना है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम पुलाव की गार्निश कर देते हैं। और पुलाव को हरे धनिया की चटनी, दही, अचार, पापड़ के साथ सर्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये पुलाव बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।